युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में एक व्याख्यान माला का आयोजन दिग्विजय नाथ महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नई दिल्ली के पूर्व उपनिदेशक प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा के अलावा महाविद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महंत दिग्विजय नाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि महंत दिग्विजय नाथ ने भौतिक व सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि नाथ पंथ की परंपरा सही अर्थों में त्याग और परंपरा का वाहक है। इसके मूल्य और आदर्श समाज के उत्थान तथा राष्ट्र के विकास के लिए सदा प्रासंगिक रहेंगे। इस मौके पर पूर्व निदेशक प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा ने कहा कि नाथ पंथ की परंपरा का मूल्य धर्म, परोपकार, मानवता, समरसता, ज्ञान का अर्जन और त्याग का है। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी महंत दिग्विजय नाथ के जीवन पर अपना अपना विचार व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, मैं अपने मंचस्थ जैसे से प्रतिवर्ष अपने संस्थापकों के स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन्हीं विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में यह भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। हम लोग हर वर्ष इसी महीने में अपने संस्थापक महंत दिग्विजयनाथ जी की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। इस स्मृति व्याख्यान माला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी का मैं इस सभागार में स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय दिल्ली के पूर्व उप निदेशक प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। शिक्षकों ने जो मुझे पढ़ाया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मैं मूलतः रिसर्चर हूँ, अनुसंधान करता हूँ और नई नई चीजों पर। एक बात का अगर मैं फिर उल्लेख कर रहा हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गया
और सूचना आई कि मोहन भागवत जी चंडीगढ़ में आए हुए हैं। अब मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं। समय हो गया, जब ट्रेन में हम बैठते हैं तो हमारी और उनकी सीट दोनों की अगल बगल पर, और मेरे हाथ में एक गांधी पर पुस्तक था। उन्होंने कहा, ये आपने लिखा है क्या? मैंने कहा हाँ गुरुवर, मैंने लिखा है। फिर मैंने वो किताब उनको जो है भेज दिया, और उसके बाद जब 3 घंटे तक लगभग चंडीगढ़ से दिल्ली आने में लगता है, वार्तालाप करती है ध्यान पर। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी राइटिस्ट स्कॉलर जो बहुत प्रबुद्ध माने जाते हैं, उन्होंने भी दीनदयाल उपाध्याय पर ऐसी पुस्तक नहीं लिखी, क्योंकि हमारी एक आदत आती है कि बिना पढ़े लिखे हम भाषण दे देते हैं, बिना अनुसंधान किए हुए इंटरनेट से उठाते हैं और लिख डालते हैं। उस परंपरा को बदलना होगा। जिस विषय पर बात आपसे करने जा रहे हैं, किसी ने ठीक ही कहा, वो शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालत का मुंह खोल दिया। महाराणा प्रताप का पिक्चर हमारे सामने है। 3 संतों ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को तो आप पढ़िए, नाथ पंथ के इतिहास को तो पढ़िए, और खासकर जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, उनको नाथ पंथ पर जरूर रिसर्च करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम पढ़ते हैं तो आता नहीं। ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम भारतीय परंपराओं के प्रति जितना प्रेम रखना चाहिए उतना हम प्रेम नहीं रखते हैं। भारतीयता को अगर समझना है तो अनादि काल से जो इतिहास चली आ रही है, जिसे हम नाथ पंथ कहते हैं, वो वैदिक परंपरा के पैरेलल चल रहा है। उस पर मैं बाद में आपसे बात करूंगा। इस धर्म का मूल क्या है, हम इस कॉलेज में डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे कुल गुरु यहां बैठे हुए हैं। मानव का मूल धर्म दूसरों की सेवा कर, और उसी सेवा के तहत में उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की। यंग साइंटिस्ट पैदा करना, यंग युवा पैदा करना, जो देश की दिशा और दशा को बदलते, केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए और उसका प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में करिए। ये कॉलेज बहुत अच्छा करेगा, और मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अब लगभग ए आ ही गया था, 2.85 शायद था, और मेरा ख्याल ये हाईएस्ट स्कोर है इस क्षेत्र का किसी महाविद्यालय ने लिया है। और मुझे गर्व है कि दुनियानाथ पी जी कॉलेज दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक महाविद्यालय है, इसके लिए आप सबको मुबारकबाद। हमारे जो संस्थापक थे महाराणा प्रताप एजुकेशन ट्रस्ट के, ये कॉलेज उनके द्वारा स्थापित किया गया, और ये जैसा बताया गया है कि पूरा 27 ये श्रृंखला एक चलती है, अलग अलग विद्वान बुद्धिजीवी महापुरुष आते हैं, व्याख्यान देते हैं हमारे बच्चों को, हमारे टीचरों को इंटरेक्ट करते हैं, इंप्रेस करते हैं। ये बहुत अच्छा सिलसिला है, एक अच्छी परंपरा है। मुझे पता है कि महाराणा प्रताप एजुकेशनल ट्रस्ट दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी पुराना है। मैं जानता हूँ कि जब शुरू हुआ, तो विश्वविद्यालय शुरू हुआ 1997 में दो कॉलेज आप ही के कॉलेज से, महाराणा प्रताप ट्रस्ट के ही कॉलेज से, जिससे स्थापना हुआ। वो हमेशा गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी सबको याद रहेगा। तो आपकी परंपरा, आपका इतिहास, आपका बैकग्राउंड विश्वविद्यालय से भी पुराना है।
इसीलिए आप यहाँ पे हैं आज, आप यहाँ पे हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। मैं भी कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो भगवान का नमन करता हूँ, उसके बाद तो मैं भूल जाता हूँ, मैं अपने काम में लग जाता हूँ, अपने मिशन सेट करता हूँ, अपने विजन सेट करता हूँ, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता हूँ, अपने प्लान सेट करता हूँ, उनके पाने की कोशिश करता हूँ। और मैं ऐसे ही अपने विद्यार्थियों को, अपने टीचरों से एक्सपेक्ट करता हूँ। हमारी परंपरा में, हमारी भारतीयता में, हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, बहुत चीजों से हमें गर्व है, मुझे भी है। गांधी जी थे, गांधी जी हमारे आदर्श रहे हैं, दीनदयाल जी थे, लोहिया जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, आप देखिएगा सब महापुरुषों में कुछ आम चीजें थी। वो सभी सोसाइटी के लाभ के लिए कार्य करते थे, अपने तरीके थे, सभी ने अपने अपने तरीके से, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे सोशल रिफॉर्म हो, उसके लिए कार्य किए। ये हमें याद रहेगा और याद रखना चाहिए, मूल्य हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, गिर भी रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी इस बात का गर्व है कि तक्षशिला जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी पढ़ गई थी वो भारत में थी, नालंदा जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी वो भी भारत में थी। जीरो दिया, बहुत कुछ दिया, तो ये सब बातों का गर्व है। लेकिन आज क्यों हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं है, टॉप 150 में तो एक भी नहीं है, टॉप उसके 150 से 300 में कुछ है, IIT बॉम्बे लगाता है, साइंसेज लगाते हैं, गवर्नमेंट इतना बड़ा देश है, वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ किसी का चलता है पहले वही जाता है, गवर्नमेंट का फोकस है। इसलिए लेकिन अभी भी जो हमारे मेजोरिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको बहुत स्कोप है। आज जो ये व्याख्यान माला है दिव्यनाथ मेमोरियल PG कॉलेज, आज उनका उद्घाटन था, उसमें मुझे बुलाया गया था। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जिससे विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हैं। महाराणा प्रताप एजुकेशनल ट्रस्ट के इतिहास क्या रहा है, दिव्यनाथ जी का क्या, स्वर्गीय दिव्यनाथ जी का क्या इतिहास रहा है, ये इतिहास जो एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी पुराना रहा है। हम लोगों को दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोग को इसके लिए पूरा दो कॉलेज शुरू में मिले जब हम लोग ने उसी से स्टार्ट किया, तो ये इसका बहुत मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारे सारे जितने क्षेत्र में 341 कॉलेजेस में जो अगर किसी को सबसे आगे रैंक करना होगा तो मैं इसी कॉलेज को रैंक करूंगा। तो मैंने मुझे अच्छा लगा यहाँ आने में, तीसरी बार आया था, मैं सबको बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ।